हेलो फ्रेंड्स, यूनिकिट्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू भुजिया। बहुत ही क्रंची, टेस्टी और चटपटी रेसिपी है। तो चलिए आलू भुजिया बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको दोस्तों मेरे रेसिपीज़ अच्छी लगती है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस करें तो मेरे रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आलू भुजिया बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बाउल लिया है और यहाँ पे मैंने 3 आलू को बॉईल करके छील के उसे ग्रेट कर लिया था और बाद में मैंने इसे थोड़ा मैश भी किया था क्योंकि आलू में हमें बिल्कुल भी लम्स नहीं चाहिए। तो अभी हम आलू को बाउल में डाल देंगे। 1.5 कप हम इसमें डालेंगे बेसन, 2 चम्मच चावल का आटा डालेंगे, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, आधी छोटी चम्मच काला नमक, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 पिंच हींग, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और 2 छोटी चम्मच तेल डालेंगे और इन सब को हम अच्छे से मिक्स करके इसका एक डो बना लेंगे। हमें इसका एक सॉफ्ट आटा गूंथ लेना है। आटे को हमने अच्छे से गूंथ लिया है तो अभी हम इसके ऊपर डालेंगे 1 छोटी चम्मच तेल और आटे के सभी तरफ हम अच्छे से तेल लगा देंगे। ये देखिए, हमने इसके ऊपर अच्छे से तेल लगा दिया है। तो अभी हम इसके ऊपर रख देंगे ढक्कन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद हम देखेंगे। ये देखिए, आटा अच्छे से सेट हो चुका है और हम डो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इसका हम एक ऐसा रोल बना लेंगे। दूसरे पार्ट का भी हमने अच्छी तरह रोल बना लिया है। अभी हम एक सेव बनाने का साँचा ले लेंगे और यहाँ पे हमने सेव बनाने की एक प्लेट ली है। इसमें ये बारीक सेव बनाने की प्लेट है पर इसमें मोटी सेव बनाने की भी प्लेट आती है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो अभी हम इस प्लेट को साँचे में डाल देंगे और साँचे के अंदर हम सभी तरफ अच्छे से तेल लगा देंगे और इसके अंदर हमने जो डो का रोल बनाया था वो भर देंगे और साँचे के ऊपर का जो पार्ट होता है वो हम साँचे पर लगा देंगे और इसको हम अच्छे से बंद कर देंगे ऊपर से। अभी हमने यहाँ पे तेल गरम होने के लिए रखा है और तेल एकदम अच्छी तरह गरम हो चुका है तो अभी हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसमें हम सेव डालेंगे। इस तरह से साँचे को हम एक डायरेक्शन में गोल घुमाते जाएंगे और सेव इसमें डालते वक्त सावधानी से डालें क्योंकि इस टाइम पे तेल बहुत गर्म रहता है। सेव पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2-3 मिनट में ही सेव पक जाती है। तो अभी हम इसे पलटी कर लेते हैं। एक साइड से सेव अच्छी तरह पक चुकी है, दूसरी साइड से भी सेव एकदम अच्छी तरह पक चुकी है तो इसे अभी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ये देखिए कितनी बढ़िया सेव बनी है। इसी तरह हम सारी आलू भुजिया बना लेंगे। अभी हमारी आलू भुजिया खाने के लिए रेडी हो चुकी है। आप चाहे तो खाने से पहले इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं, बहुत ही चटपटी और मज़ेदार लगेगी ये खाने में। तो अगर आपको दोस्तों रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक अच्छी रेसिपी के साथ।